सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस। तो आज हम करने वाले हैं स्प्रे पेंट अपने पल्सर का। पल्सर 150 वो पुराना था तो उसका बस हम लोग नीचे में भी स्प्रे पेंट करेंगे और ऊपर में उसका रैपिंग करने वाले हैं। तो रैपिंग का वीडियो थोड़ा लेट होगा क्योंकि अभी मतलब मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा रैप करें और कौन सा नहीं। तो देखते हैं आगे वीडियो को। अभी हम लोग करने वाले हैं उसका स्प्रे पेंट। स्प्रे पेंट करने के बाद दिखाएंगे आप लोग को बाइक लगता कैसा है। शुरू करते सर वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब ऐसे और वीडियो देखने के लिए और ट्रैवल ब्लॉग्स देखने के लिए। मिलते हैं वीडियो में। तो गाइस सबसे पहले घर सकते हैं अपने मतलब जो भी पहले का पेंट है उसको उतार लेना और उतरे अगर नहीं तो पूरा अच्छी तरीके से उसको स्मूथ कर लेना है जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये अभी चेचीज का नीचे वाला पार्ट है तो इसे भी पहले मैं कर लेता हूँ। इसे भी पूरा घसने के बाद उसके बाद डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ। गाइस यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि सामने का जो मडगार्ड होता है उसे रिमूव कर ले रहे कि अच्छी तरीके से नीचे में मैं पेंट कर पाऊँ। और मडगार्ड वैसा भी बहुत ख़राब हो गया था इसलिए उसे भी हम लोग खोल कर हटा दे रहे हैं। यहाँ पे मडगार्ड खुलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए क्या कि हम लोग पहले तो बहुत ज़्यादा ट्राई किए। ट्राई करने के बाद जब एकदम भी नहीं हुआ तो उसके बाद क्या कि हम लोग उसमें WD-40 अप्लाई की। WD-40 जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है WD-40 अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने उसको 10 मिनट्स छोड़ दिया। उसके बाद जब खोलने का ट्राई किया तो वो खुल गया। सो बस यही खुल गया। और पीछे का भी नट था हम लोग ने वो भी ध्यान नहीं दिया था जब घूम रहा था तब मैंने ध्यान दिया। तो वो खोलने के बाद हम लोग नीचे वाला पेंट करते हैं। तो पहले देखते हैं खोलने के बाद भी थोड़ा और घसने और साफ़ करने का प्रोसेस है क्योंकि जब तक साफ़ नहीं करेंगे तब तक पेंट अच्छा से लगेगा नहीं। तो घसने के बाद आपको पूरा एक बार भी दिखाते हैं। जब हम लोग टैंक के फ्यूल टैंक के पास काम कर रहे थे तब हम लोगों ने देखा कि हल्का सा फ्यूल टैंक में भी बबलिंग छूटा हुआ है कलर का। तो वो जब हम लोगों ने हटाने का चेष्टा किया तो वहाँ पे क्या हुआ फ्यूल लीकेज मतलब फ्यूल का जो टैंक था वो फट गया हल्का सा ऑटोमेटिक मतलब सड़ गया था वैसा कुछ था।
तो फिर उसे हम लोगों ने ठीक करने के लिए पहले क्या क्या कपड़ा से जो था, पहले तो सारा फ्यूल निकाल लिया। फ्यूल निकालने के बाद जो एक कपड़ा से उस जगह को पूरे अच्छे तरीके से सुखा लिया, और सुखाने के बाद उसमें एमसील एक आता है वो दे दिया। तो वो भी मैं दिखाता हूँ कि कैसे दिया, आगे देखते हैं। तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने एमसील लगा दिया है यहाँ पे, और एमसील बस कुछ भी नहीं, बस उसमें दो चीज़ रहता है, रेजिन और हार्डनर, वो दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करके बस लगाना रहता है। तो वैसे करके अच्छी तरीके से 50-50 अमाउंट में मिक्स करके हम लोगों ने लगा दिया है यहाँ पे। अब उसको 24 आवर्स छोड़ देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। सो गाइस, स्प्रे पेंट करने के लिए आपको बस कॉन्स्टेंटली जिस जगह पे रंग कलर करना है उस जगह पे बस आपको कॉन्स्टेंटली एकदम चलाते रहना है हाथ। और अगर आप नहीं चलाते हैं तो उससे क्या होगा कि कलर एक जगह जम जाएगा और उससे नीचे कलर गिरने लगेगा और दिखने में भी अच्छा नहीं फिनिश आएगा। तो इसीलिए कॉन्स्टेंटली आप स्प्रे करते रहिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, देख लीजिए। सो इसी तरीके से जैसे पूरा बॉडी वॉक करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। तो भाई ये पेंट आपको मार्केट में 100 से 150 के रेंज में मिल जाएगा, और ये पेंट ज़्यादा दिन तक वैसा टिकता नहीं है, बस ये टचअप पेंट है, और ये कुछ दिन तक आपके बाइक को अच्छी खासी साइन दे सकता है। वहाँ से हर ट्रॉस नहीं छोड़।
समाज सेवा करते हैं।